बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। इससे पहले हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया था, अब उन एलिमेंट्स को जो हमने अरेंज किए हैं उनको हमने क्लासिफाई करना है। किस बेस पे क्लासिफाई करना है? एस पी डी और एफ ऑर्बिटल्स की बुनियाद पे इसको हमने क्लासिफाई करना है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑर्बिटल्स के बारे में, इसके अलावा शेल, सब शेल और ऑर्बिट हम किन को कहते हैं, अगर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो इनको एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो सब शेल हैं या फिर ऑर्बिटल्स हैं या फिर शेल्स हैं और ऑर्बिट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले शेल या फिर ऑर्बिट, शेल और ऑर्बिट दोनों एक ही चीज़ है। ऑर्बिट को ही हम शेल कहते हैं और शेल को ही ऑर्बिट कहते हैं। अगर इसको हम डिफाइन करें, सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ऐसा सर्कुलर पाथ है जिसमें न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनको हम कहते हैं शेल या फिर ऑर्बिट। जैसा कि ये दरमियान में न्यूक्लियस है और इसके गिर्द ये फिक्स पाथ हैं या फिर एनर्जी लेवल हैं जिनके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इन सर्कुलर पाथ को हम कहते हैं शेल या फिर ऑर्बिट कहते हैं। अब इसमें अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह ये वाला के शेल है, ये वाला है एल शेल, ये वाला एम शेल, इस तरह ये इंक्रीज होते जाते हैं। अब इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल फार्मूला है, उसके जरिए आप आसानी से बता सकते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है 2n2, यहाँ पे n डिनोट करेगा नंबर ऑफ शेल्स को। अगर ये फर्स्ट शेल है, n की जगह पे आप 1 पुट करेंगे, 1² इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर हमारे पास 2 ही आएगा। इसका मतलब है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर हम n की जगह पे 2 पुट करें सेकेंड शेल के लिए, तो 2² 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर आएगा 8। इसका मतलब है सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इस फॉर्मूला के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। तो शेल और ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दोनों सेम चीज़ है। ऑर्बिट और शेल वो वाला सर्कुलर पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये फिक्स पाथ होता है, इनको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। उसके बाद है सब शेल या फिर ऑर्बिटल, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है सब शेल और ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल ही मिलके सब शेल बनाते हैं या फिर सब शेल में ही ऑर्बिटल्स होते हैं। इसको अगर हम डिफाइन करें, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मीन्स न्यूक्लियस के गिर्द वो वाला पाथ जहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के 95% चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं, उनको हम कहते हैं सब शेल या फिर ऑर्बिटल। यहाँ पे शेल में तो ये हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन किस जगह पे है, लेकिन सब शेल में हमारे पास 95% चांसेस हैं कि हमें पता चल जाए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है। अगर ये एग्जांपल देखें ऑर्बिटल की, इसमें एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी और एफ ऑर्बिटल होते हैं। एस की ये स्फेरिकल फॉर्म में है, ये वाला पी ऑर्बिटल डंबल फॉर्म में, डी डबल डंबल फॉर्म में, इसी तरह ये एफ की इससे भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब इसमें अगर आप बात करें एस ऑर्बिटल या फिर एस सब शेल में ऑर्बिटल कितने हैं, तो ये वाले जो स्केयर बने होते हैं इनको हम ऑर्बिटल कहते हैं। अब एस सब शेल में सिर्फ ये एक ही है स्केयर और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है एस सब शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में या फिर एस सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं।
उसके बाद अगर हम पी की बात करें तो पी में देखें, पी सब शेल, इसको हम सब शेल कहेंगे, लेकिन इसमें ऑर्बिटल कितने हैं? 1, 2, 3। अगर 3 ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 4 और 2, 6। पी एक्स एक्स एक्सिस पे भी, ये वाई एक्सिस पे भी इसकी स्ट्रक्चर, और जी एक्सिस पे, तीनों एक्सिस के सब शेल इसको हम पी ही कहेंगे, लेकिन इसमें ऑर्बिटल कितने हैं? 3 ऑर्बिटल हैं। उसके बाद अगर हम डी की बात करें तो इसमें भी ये 5 ऑर्बिटल हमें नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, ये भी 3 एक्सिस के गिर्द होते हैं। अब इसमें ऑर्बिटल कितने हैं? 5 ऑर्बिटल हैं। इसका मतलब है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 होंगे। तो इस सब शेल को हम डी सब शेल कहेंगे, लेकिन अगर इसमें हम ऑर्बिटल के बारे में बताएं तो हम कहेंगे इसके 5 ऑर्बिटल हैं। तो ये, इसके बाद अगर हम एफ की बात करें तो एफ में 7 ऑर्बिटल हैं, एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल हैं। अगर हमसे वो पूछें ये कौन सा सब शेल है, हम कहेंगे एफ सब शेल है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन के बारे में हमसे पूछें तो तब हम कहेंगे इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। किस वजह से? क्योंकि इसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 14 आ सकते हैं। अब हमारे पास ये एफ सब शेल है, लेकिन इसमें एफ ऑर्बिटल कितने हैं? 7 ऑर्बिटल हैं। तो पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं, ऑर्बिटल इसके 5 हैं, और एफ में ऑर्बिटल 7 है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 14 आ सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, या फिर अगर इसको हम अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस देखें तो ये काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट, शेल या फिर ऑर्बिट हम किसको कहते हैं, और सब शेल या फिर ऑर्बिटल हम किन को कहते हैं। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है सब शेल और ऑर्बिटल में। उसके बाद अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने क्लासिफाई कर दिया है 4 ऑर्बिटल्स में या फिर 4 ब्लॉक्स में। उसमें सबसे पहला ब्लॉक है हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ये ग्रुप्स हैं हमारे पास, हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट ग्रुप है और ये वाला सेकेंड ग्रुप है। इनको हम अल्कली मेटल कहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा ग्रुप के ये जो बाकी मेंबर्स हैं इनको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड ग्रुप को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं, पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें हीलियम भी मौजूद है एस ब्लॉक में, हालांकि ये हेलोजन ग्रुप नंबर 17 में होना चाहिए, लेकिन इनको हमने यहाँ पे क्यों रखा है इसको? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एस में है। इसका आखिरी जो, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो आखिरी एनर्जी लेवल एस में आएगा, इस वजह से इसको भी हम इस ब्लॉक में शो कर रहे हैं। जैसा कि अब अगर इसको हम डिफाइन करें एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो ये कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में इंटर होगा। जैसा कि ये लिथियम एटॉमिक नंबर इसका 3 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, 2s में भी 2 होते हैं, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 3 है, 2 इसमें आएंगे और 1 इसमें आएगा। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है? एस ऑर्बिटल में। इस वजह से इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जिसकी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें से देखेंगे, वो उसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन इंटर होगा वो एस ऑर्बिटल में होगा। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इसका हम देखें कहाँ से स्टार्ट होती है, NS1 और NS2, मींस एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। एन हमारे पास क्या है? एन हम कहते हैं लास्ट एनर्जी लेवल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर होना है उसको एन से डिनोट किया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे N1 है, यहाँ पे N2 है, तो S में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं।
उसके बाद एलिमेंट्स इनमें कौन कौन से हैं, ये वाला हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है और ये वाला ब्रिलियम से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन के अलावा बाकी मेटल्स हैं, बाकी सारे ग्रुप्स, बाकी सारे एलिमेंट्स को हम मेटल्स भी कहते हैं। इसके बाद इनको हम नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब डी ब्लॉक के अलावा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलावा, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इनको हम नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में अगर हम देखें, इसकी +1 है, फर्स्ट ग्रुप है, इसका मतलब है इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, जब वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसके ऊपर +1 चार्ज। ये सेकेंड ग्रुप है, इसमें आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, जब वो 2 निकाल देंगे तो इसके ऊपर +2 चार्ज। अब +1 और +2 चार्जेस, इनका क्या मतलब है, ये मेटल्स को डिनोट कर रहे हैं कि ये मेटल्स हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं ये एलिमेंट्स। उसके बाद सेकंड हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक हैं, मीन्स ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब इसमें ग्रुप नंबर 18 को हम नोबल गैसेस भी कहते हैं या फिर इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। किस वजह से इनर्ट गैसेस हैं ये, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आना चाहिए, पी ऑर्बिटल में। तो ब्रोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर इसका 5 है, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर 5 होने की वजह से p में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला आखिरी इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ पे आ रहा है, पी ऑर्बिटल में। इस वजह से इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बाकी एलिमेंट्स की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करें, तो इनकी सब का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो पी ऑर्बिटल में ही आएगा। इसके अलावा ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन अगर इसकी हम देखें, तो ये सबसे पहले तो S2 कंप्लीट है वैलेंस शेल, उसके बाद पी में जब इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे तो पी में 1 से लेके 6 तक, 6 तक इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो यहाँ पे पी में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर कार्बन की बात करेंगे एटॉमिक नंबर इसका 6 हो जाएगा, तो पी में इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे। इसी तरह जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, पी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो पी में 1 इलेक्ट्रॉन से लेके 6 तक इसमें हम फिल कर सकते हैं। उसके बाद इसके ग्रुप्स, ग्रुप 13 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बोरॉन से, इसको हम बोरॉन फैमिली भी कहते हैं। ग्रुप 14 कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम कार्बन फैमिली भी कहते हैं। ग्रुप 15 नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। ग्रुप 16 ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम हैलोजन फैमिली भी कहते हैं। और ग्रुप नंबर 18 ये नोबल गैसेज हैं। तो ये इनके नेम्स भी हैं, ग्रुप के नेम को फैमिलीज भी हम कहते हैं। उसके बाद इनको भी हम नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, जिस तरह एस ब्लॉक को भी कहते हैं। और ये वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये वाले ग्रुप मेटल्स हैं, उसके बाद ये वाले मेटलॉइड्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स वो जो इलेक्ट्रॉन जिनमें से रिमूव करवा सकते हैं, नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, और मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन में होती हैं। उसके बाद है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये मिड में हैं, इनकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स इनके दरमियान लाई करती हैं, क्योंकि इनके एलिमेंट्स एस और पी के दरमियान में हैं। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, डी ऑर्बिटल में आएगा, जैसा कि ये स्कैंडियम 3d1 4s2। जैसे जैसे ये पीरियड नंबर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे ये
इसके जो सब शेल वो भी इंक्रीज होंगे, ये 3D है, ये 4D, ये 5D और ये 6D। उसके बाद अगर हम देखें इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। सबसे पहले वर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इनके दरमियान में लाई करती हैं, ट्रांजिट होती हैं, इस वजह से इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इनमें ये वाले जो तीन एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते, हालांकि ये भी डी ब्लॉक में हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। किस वजह से नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम कहते हैं डी ऑर्बिटल, या तो ये पार्शली फिल्ड होंगे या एम्प्टी होंगे। लेकिन यहाँ पे देखें, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। अब इसमें तो कोई ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है, ये फिल है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की तो ये प्रॉपर्टी होती है कि इसमें डी ऑर्बिटल एम्प्टी लाजमी हमें मिलेगा, जहां से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है। लेकिन ये कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, हालांकि ये डी ब्लॉक में प्लेस्ड हैं। इसी तरह ये कैडमियम और मरकरी, इन तीनों के डी ऑर्बिटल फील्ड होते हैं, इस वजह से हम कहते हैं ये ट्रांजिशन शो नहीं कर सकते, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की लिस्ट में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1, डी में एक इलेक्ट्रॉन से लेके मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो इसमें N-1 का क्या मतलब है, N तो हमारे पास वैलेंस एनर्जी लेवल S का होता है, उसके बाद इनर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इनर तो हम इसको नहीं कहेंगे, S के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनकी वजह से N-1 इसको हम कह रहे हैं। N का मतलब है एंड वाला, हमारे पास ये जो वैलेंस एनर्जी लेवल है S का, इसके बाद में ये D आता है, इस वजह से N-1 D में एक से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं इस ब्लॉक में हम। तो ये वैलेंस एनर्जी लेवल तो इसका फिल है S का, उसके बाद D में हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 1 से लेके 10 तक। उसके बाद ये ग्रुप्स कौन से हैं, 3 से लेके 12 तक, इस ब्लॉक में जो ग्रुप्स हैं वो 3 से लेके 12 तक हैं। इनके अलावा इसकी प्रॉपर्टी इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल ही होने चाहिए, लेकिन ये तीन एलिमेंट्स के अलावा बाकी ये इनकम्प्लीट ही डी ऑर्बिटल्स हैं। इसके अलावा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना। अब ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, जैसा कि आयरन में +2 भी होती है, +3 भी होती है। अब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से ये कलर शो करते हैं। ये कलर्ड फॉर्म में किस वजह से होते हैं, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा होती है, इसका मतलब है इसकी ट्रांजिशन भी ज्यादा होती है। ट्रांजिशन की वजह से ये कलर शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से। इसके अलावा ये स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, किसी के साथ मिलके स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। उसके बाद अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट करें तो क्रोमियम और कॉपर, इसका जो केस है थोड़ा सा डिफरेंट है। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 है, इसके डी में 4 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए और एस में 2 आने चाहिए, और इसका एटॉमिक नंबर 29, डी में इलेक्ट्रॉन 9 होने चाहिए, एस में 2 होने चाहिए। लेकिन ये क्या करता है, डी में इसके 5 इलेक्ट्रॉन और एस में 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या शो करते हैं, अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फील्ड होगा, हाफ फील्ड हमें पता है कि वो स्टेबल होते हैं, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, मैक्सिमम 2 होते हैं, तो ये भी हाफ फील्ड है। तो जो हाफ फील्ड या फिर कंप्लीटली फील्ड होते हैं या फिर एम्प्टी, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो क्रोमियम स्टेबल बनने के लिए क्या करता है, एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में आ जाएगा, तो ये भी स्टेबल है, हाफ फील्ड है, और ये भी स्टेबल क्योंकि ये हाफ फील्ड है। यहाँ पे देखें, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ जाए तो ये अब कंप्लीटली फील्ड है, तो ये भी स्टेबल फॉर्म में
ऐसा फील्ड है ये भी स्टेबल फॉर्म में। तो स्टेबल बनने के लिए इसकी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी मेंबर से चेंज है। उसके बाद एफ एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक हमें पता है पीरियोडिक टेबल में सबसे एंड पे है। अब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? एफ ऑर्बिटल में आएगा। इनको हमने कहाँ पे रखा हुआ है? पीरियोडिक टेबल के एंड पे रखा हुआ है, अलग सेपरेट प्लेस किया हुआ है। अब इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वैलेंस एनर्जी लेवल कौन सा था? एस है। उसके बाद डी एन माइनस वन, और उसके बाद बारी आती है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक की। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो ये एन माइनस टू आएगा। ठीक है, सबसे पहले एन एस के लिए, उसके बाद एन माइनस वन डी के लिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि वो आखिरी शेल से नीचे होगा तो फिर ही उसकी ट्रांजिशन होगी। एफ की ट्रांजिशन इससे भी पहले है, नीचे वाले शेल में है, तो इस वजह से इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, और ये एन माइनस टू इस वजह से साथ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे डी में आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे ये सभी एलिमेंट्स के, वो जीरो होगा या फिर वन होगा। अब यहाँ पे 10 तक हम फिल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन फिर किस में फिल होने चाहिए? एफ में होने चाहिए। वन से लेके 14 तक इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसके इलेक्ट्रॉन एफ में इंक्रीज होते जाएंगे। डी में आपने याद रखना है इसके जीरो होगा या फिर वन होगा, एस में टू ही होंगे। जैसा कि ये एग्जाम्पल देखें, सीजियम एटॉमिक नंबर 58 है, तो एफ में वन इलेक्ट्रॉन, डी में वन, एस में टू है। तो यहाँ पे डी में वन होगा या फिर जीरो होगा। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे ये वैलेंस है एनर्जी लेवल, तो ये 6 है। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स 5 है, उसके बाद 4 की बारी आ रही है, तो इस वजह से इसके साथ एन माइनस टू लिखा होता है एफ के साथ, और डी के साथ एन माइनस वन, क्योंकि ये एंड वाले से एक कम है। ठीक है, तो इसके साथ एन होता है क्योंकि ये वैलेंस एनर्जी लेवल है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी इससे स्टार्ट होगी एफ डी और एस से, इस एफ में इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते जाएंगे। जैसा कि ये गैडोलिनियम, इसका एटॉमिक नंबर 64 है, एफ में 7 इलेक्ट्रॉन, डी में 1, एस में 2। अब डी में हमने 0 क्यों नहीं किया, एफ में 8 क्यों नहीं किए? क्योंकि एफ में अगर 7 होंगे तो ये स्टेबल होगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड हो गया है। एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका हाफ कितना होगा? 7। तो इसको स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिया है, तो ये अब स्टेबल फॉर्म में है, इस वजह से हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन डी में फिल कर दिया है। आगे वाला वो F9 में और D में 0 आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन F में ही चले जाएंगे। इस तरह आगे F में हम फिल करते जाएंगे। उसके बाद ये जो सीरीज हैं इनको हम लैंथेनाइड, ये लैंथनम के आगे वाले एलिमेंट से स्टार्ट हो रही है, इस सीरीज को हम लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं, और ये एक्टिनम से आगे स्टार्ट हो रही है, इसको हम एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई कैसे किया है फैमिलीज में और ब्लॉक्स में। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।